नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज एंड सर्किट्स EL 204 के टॉपिक सीरीज क्लिपर के कुछ एग्जांपल के बारे में पढ़ते हैं कि उनको सीरीज क्लिपर के जब कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। तो उसके लिए पहले लेते हैं एग्जांपल नंबर 1। तो इसमें हमें ये सीरीज क्लिपर दिया हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज क्लिपर में डायोड इनपुट वोल्टेज के सीरीज में होता है और ये हमें कोई इनपुट वोल्टेज दी हुई है। तो इसके लिए आउटपुट कैसी होगी वो हमें निकालना है। तो सोल्व कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले देखते हैं कि डायोड के दूसरे सिरे पे, एक सिरे पे तो इनपुट वोल्टेज है, दूसरे सिरे पे कोई बैटरी तो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इनपुट वोल्टेज को जो हम कंपेयर करेंगे वो जीरो के साथ कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट हाफ के लिए जब इनपुट वोल्टेज जीरो से छोटी है उस केस में हमारा सर्किट कैसे बिहेव करेगा। तो जब इनपुट वोल्टेज जीरो से छोटी, ये डायोड, ये हमारा रेजिस्टेंस, तो ये आउटपुट R, जब इनपुट जीरो से छोटी है तो नेगेटिव हाफ, तो यहाँ जो वोल्टेज आएगी वो नेगेटिव आएगी और यहाँ पॉजिटिव। तो डायोड का पॉजिटिव सिरा नेगेटिव टर्मिनल से होने के कारण डायोड हमारा रिवर्स बायस में रहेगा। रिवर्स बायस के कारण ये, क्योंकि हमने ओपन वो आइडियल डायोड माना है, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये डायोड तो क्योंकि ओपन सर्किट होने के कारण रेजिस्टेंस में धारा कोई भी प्रवाहित नहीं होगी, तो आउटपुट जो रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, जीरो आएगी, क्योंकि डायोड क्या हो गया, ओपन सर्किट, तो कोई धारा प्रवाहित नहीं रही, तो आउटपुट हमारी क्या होगी, जीरो। दूसरा केस VI ग्रेटर देन जीरो के लिए, इसमें हमारा सर्किट कैसे बिहेव करेगा वो देखना है। ये हमारा सर्किट R, ये आउटपुट वोल्टेज, ये जब पॉजिटिव हाफ आया तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस। डायोड के पी टर्मिनल से पॉजिटिव, एन से नेगेटिव होने के कारण डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस रनिंग करंट शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस प्रकार रहेगा, ये डायोड शॉर्ट सर्किट, ये आर, ये आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स ये वाला पोर्शन। तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण टोटल की टोटल वोल्टेज हमारे रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस में ड्रॉप होगी, यानी जो इनपुट वोल्टेज होगी वो सारी के सारी रेजिस्टेंस आर में होगी, वही हमें आउटपुट पे मिलेगी। तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो ये हो गया, हमने इसको सोल्व कर लिया कि दो केस हो गए, VI लेस देन जीरो के लिए आउटपुट वोल्टेज जीरो, VI ग्रेटर देन जीरो के लिए आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर रहेगी। तो अब दो पोर्शन बचते हैं इसके, ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स कैसी रहेगी। तो ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स जो कि हमने पढ़ा था कि इनपुट वोल्टेज व आउटपुट वोल्टेज के मध्य ग्राफ तो होता है, तो ये आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज। तो दो केस आए हैं हमारे पास, क्या कि VI लेस देन जीरो के लिए आउटपुट वोल्टेज जीरो है, VI ग्रेटर देन जीरो के लिए आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज को फॉलो करती है। तो ये पोर्शन है VI लेस देन जीरो का, क्योंकि इस एक्सिस पे VI है, तो आउटपुट वोल्टेज फिक्स है इसके लिए जीरो पे, और VI ग्रेटर देन जीरो ये पोर्शन है, इसमें आउटपुट इनपुट को फॉलो करती है, यानी एक स्ट्रेट लाइन रहेगी जो कि ये आउटपुट फॉलो इनपुट। तो ये हो गया इस सर्किट के लिए ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स। इसी प्रकार से हम देखें तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स तो जो कि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि
आउटपुट वोल्टेज व टाइम के मध्य ग्राफ होता है कि हमारा आउटपुट गिवन इनपुट के लिए आउटपुट हमें कैसे मिलेगी। तो पहले बनाते हैं गिवन इनपुट की, गिवन इनपुट कैसी थी, इस शेप की थी। आया क्या है हमारे वी आई लेस देन जीरो के लिए आउटपुट वोल्टेज जीरो, वी आई ग्रेटर देन जीरो के लिए आउटपुट वोल्टेज इनपुट को फॉलो करती है, इनपुट को फॉलो करती है। तो वी आई लेस देन वाला पोर्शन ये है, तो इसके लिए आउटपुट वोल्टेज क्या है, जीरो। तो यहाँ फिक्स कर दो जीरो, और वी आई ग्रेटर देन जीरो के लिए आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगी। तो जिस शेप की इनपुट होगी उसी शेप की हमें क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स इस सर्किट के लिए। तो ये एक तरीके से देखें तो इस सर्किट ने इस गिवन वेवफॉर्म के नेगेटिव हाफ को क्या कर दिया, क्लिप कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इसलिए ये नेगेटिव हाफ को पूरी तरीके से क्लिप कर दिया है, जो कि हमने पढ़ा था कि क्लिपर क्या होते हैं कि वेवफॉर्म के कुछ हिस्से को क्लिप या रिमूव करके उसके शेप को कंट्रोल करते हैं। तो अब पढ़ते हैं दूसरा एग्जांपल सीरीज क्लिपर का ही। तो वो इसी पेज को हम यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू, इसमें हम क्या करते हैं कि सेम सर्किट के एक बैटरी के साथ में ले लेते हैं। ये आर है, ये वी आर है, ये इनपुट वोल्टेज हमें को दी गई है, तो आउटपुट वोल्टेज हमें पता करनी है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि पहले देखने हैं कि डायोड के एक सिरे पे तो इनपुट वोल्टेज होगी, दूसरे सिरे से यदि कोई बैटरी है तो बैटरी जुड़ी हुई है इसमें वी आर, तो इसमें हम कंपैरिजन करेंगे इनपुट वोल्टेज का वो वी आर के, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव सिरा जुड़ा है इससे, तो पॉजिटिव वी आर से कंपेयर करेंगे। तो वी आई इज लेस देन वी आर फर्स्ट केस। तो इसमें हमारा डायोड कैसे बिहेव करेगा, ये डायोड ये रेजिस्टेंस आर तो वी आई लेस देन वी आर का हमें पढ़ना है। तो लेस देन वी आर का मतलब है इधर लोअर पोटेंशियल आएगा और ये जो कनेक्टेड है इधर हायर पोटेंशियल, यानी डायोड डी का पी टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे रहेगा और एन टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे रहेगा। तो जिसके कारण डायोड क्या करेगा, रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा, रिवर्स बायस के कारण ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट इसका बना देते हैं। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट क्या रहेगा, ये डायोड, ये रेजिस्टेंस आर और ये बैटरी कनेक्टेड है वी आर की। इनपुट लेस देन वी आर, ये डायोड। तो पिछले केस में जैसा कि हमने देखा था कि डायोड ओपन होने के कारण कोई करंट फ्लो कर नहीं कर रहा था, तो आर के अक्रॉस में आउटपुट क्या मिल रही थी, जीरो। लेकिन अब यहाँ आर के साथ साथ एक बैटरी भी कनेक्टेड है जो कि वी आर है, तो इधर ये वी नोट का प्लस है, इधर माइनस है, तो सेम वी आर का भी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा, आउटपुट पर हमें वोल्टेज मिलेगी वी आर, यानी वोल्टेज मिलेगी वी आर। तो सेम ऐसे ही केस करते हैं दूसरा कि वी आई ग्रेटर देन वी आर, वी आई ग्रेटर देन वी आर के लिए हमारा ये डायोड, ये रेजिस्टेंस आर, ये वी आर, आर कब कर रहे हैं हम, वी आई ग्रेटर देन वी आर। तो डायोड का पी टर्मिनल किस पे, हायर पोटेंशियल पे रहेगा, एन टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे रहेगा, जिसके कारण डायोड क्या करेगा, डायोड फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बायस के कारण ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हम आइडियल डायोड ले रहे हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट ये बनाएं तो ये क्लोज्ड हो गया, ये आर, ये
डायोड, ये VI ग्रेटर देन VR हम बना रहे हैं इसमें। तो अब क्या हो गया कि डायोड ऑन होने के कारण जो भी इनपुट वोल्टेज होगी वो सारी कहाँ ड्रॉप होगी, यहाँ R और ये VR तो है इस सारी R के यानी अक्रॉस में, तो यहाँ जो टोटल यहाँ VI आएगी वही वोल्टेज यहाँ पे भी आएगी और वही वोल्टेज यहाँ आएगी। तो कुल क्योंकि ये तीनों पैरेलल ब्रांच होगी तो यहाँ जो वोल्टेज होगी वो यहाँ रहेगी और वही हमें यहाँ मिलेगी। तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, किसके बराबर रहेगी, इनपुट वोल्टेज के बराबर रहेगी। तो ये हमने इसको सोल्व कर लिया। अब इसके दो पोर्शन बचते हैं, एक ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स और एक आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। तो ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स की यदि बात करें, ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स क्योंकि हर एक क्लिपर को जब भी पढ़ेंगे तो उसकी दो करेक्टरिस्टिक्स हमें ड्रॉ करनी है, ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स आउटपुट वोल्टेज वर्सेज इनपुट वोल्टेज का ग्राफ होता है। तो दो केस आए थे हमारे पास निकल के, क्या है कि VI लेस देन VR के लिए हमारी आउटपुट वोल्टेज क्या थी, आउटपुट वोल्टेज VR के बराबर थी, और VI ग्रेटर देन VR के लिए हमारी आउटपुट वोल्टेज इनपुट को फॉलो कर रही थी। तो हमें सबसे पहले VR को चिन्हित करना है। तो जब इनपुट वोल्टेज का मान VR के बराबर हो और ये VR क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ हमने इसको चिन्हित कर लिया कि ये VR है। सेम आउटपुट पे भी चिन्हित कर लो कि पॉजिटिव में ये VR रहेगा, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो VI लेस देन VR यानी कौन सा पोर्शन, इससे लेफ्ट हैंड वाला, ये वाला पोर्शन में आउटपुट VR के बराबर फिक्स रहेगी। तो इससे लेफ्ट हैंड वाले पोर्शन में आउटपुट VR पे फिक्स रहेगी और VR से राइट हैंड वाले पोर्शन में आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन रहेगी वो, ये वाला। तो ये होगी इसकी ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स। इसी प्रकार से यदि आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स की बात कह रहे हैं तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हमने क्या पढ़ा था कि आउटपुट वोल्टेज व टाइम के मध्य ग्राफ तो होता है फॉर ए गिवन इनपुट। तो गिवन इनपुट हमारे पास कैसी है, ये गिवन इनपुट इस शेप की है, तो VI है। तो निकल के आया था VI लेस देन VR के लिए आउटपुट वोल्टेज VR पे फिक्स है और VI लेस ग्रेटर देन VR के लिए आउटपुट वोल्टेज इनपुट को फॉलो करती है। तो VR को चिन्हित कर लो, VR को चिन्हित करने के लिए ये VR हो गया, ये VR हो गया पॉजिटिव में, है ना। तो VR से छोटा पोर्शन कौन सा है, ये वाला, ये पोर्शन VI लेस देन VR के लिए आउटपुट फिक्स है VR पे। तो ये थोड़ा है, ये हो गया, मैं रेड पेन से ड्रॉ करता हूँ। तो आउटपुट फिक्स रहेगी VR पे, तो कहाँ, तो ये छोटे के लिए कौन सा है, ये इधर, तो यहाँ ये आउटपुट मिलेगी हमें। फिर छोटा और कौन सा है, ये सारा छोटा है, तो यहाँ पे भी हमें कैसे मिलेगी, VR पे ये फिक्स हो जाएगी। तो ये और VI ग्रेटर देन VR के लिए आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगी। तो आउटपुट इनपुट को फॉलो, ग्रेटर देन VR का पोर्शन कौन सा है, ये। तो रेड पेन से मैं थोड़ा इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। तो शेप कैसे मिलेगी, ये और ये हमारी आउटपुट की शेप मिलेगी, यानी इस क्लिपर द्वारा इनपुट वोल्टेज के इस पोर्शन को और इस पोर्शन को क्या कर दिया गया, क्लिप कर दिया गया। तो आज हमने ये सीरीज क्लिपर के, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया तो इसको रेक्टिफाई, तो आज हमने सीरीज क्लिपर के एग्जाम्पल्स को पढ़ा। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम संट और सीरीज क्लिपर के और एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।